फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, अगर आप लोगों ने देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो वो वीडियो जाकर देखें। मुझे नहीं पता आप लोगों ने उस चीज़ से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, लेकिन मैंने उस चीज़ से ये चीज़ सीखी है कि जब तक अपने आप के पास है, आपको उनकी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती है। क्या आज ऐसा टाइम आ गया है कि इंसान जब तक आपकी लाइफ में है आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे? जब वो ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा तभी उसकी वैल्यू होगी, या कुछ कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, या फिर बीमार हो जाएगा तभी आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी क्या? क्या अब इंसान को अपनी वैल्यू के लिए मरना पड़ेगा? हाँ, जो आपकी फिक्र करते हैं, आपकी केयर करते हैं, इसलिए आपको रोकते टोकते हैं। मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो चाहते हैं कि आप कभी कोई मुसीबत में ना पड़े, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो आपको रोकते टोकते हैं। इसलिए नहीं कि वो आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चीज़ आप क्यों नहीं समझते? क्या ये चीज़ें तभी आप समझोगे जब आप पर गुजरेंगी? वक्त रहते क्यों नहीं समझते हो? कब समझेंगे आप लोग बताइए? जब तक इंसान आपकी लाइफ में है वो आपकी केयर करेगा, सब कुछ करेगा आपके लिए, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है। या इंसान वो दुनिया छोड़ के चला जाता है तो आप बोलते हैं कि काश वो लौट के आ जाए, काश वो फिर से आ जाए, मैं इसकी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी या करूँगा, बस एक बार लौट आए माँ बाप। क्या उनके जाने के बाद ही आपको उनकी वैल्यू समझ में आएगी? कोई भी रिश्ता हो, जब तक इंसान मरेगा नहीं तब तक आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी क्या? अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन आपको रोकते और टोकते हैं तो वो सिर्फ इसलिए रोकते टोकते हैं कि आप सेफ रहें, वो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए। वो आप सड़क पे हर किसी को चलते हुए हर इंसान को तो नहीं रोकते टोकते होंगे ना, वो कुछ भी करें आप उनके अपने हो, वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए रोकते टोकते हैं। देखिए, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। जो आपसे प्यार करते हैं उनकी वैल्यू करें, उनकी कदर करें, टाइम रहते प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्यों नहीं समझती ये चीज़ें? क्यों? सही गलत क्या है ये सब जानते हुए भी आप ऐसी चीज़ें करते हैं? मेरे ऑफिस में एक हैं जो काम करते हैं, वो आपस में बात कर रहे थे, कल मैं सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि उनके घर आसपास एक लड़का है जो अपनी माँ को मारता है, ड्रिंक करता है। कोई चीज़ आप पे इतनी हावी हो जाती है कि आपके अपने, आपके माँ बाप, आपको कुछ नहीं दिखता। उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज आप बड़े हो गए हैं तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि अपने माँ बाप पे हाथ उठाएंगे आप? बताइए, ये चीज़ें सही हैं क्या? कोई चीज़ आप पे इतनी हावी हो जाती है कि आपको अपने अपने नहीं दिखते हैं? बताइए, वो आपके लिए मरे जाते हैं। जब आप हॉस्पिटल में होते हैं ना, जब आप बीमार होते हैं, तो वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये ठीक हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, बस इसको ठीक कर दो। वो होते हैं आपके अपने, जो आपके लिए भले ही आपसे गुस्सा हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन जब आपके बारे में सुनते हैं ना तो उनकी बॉडी कांप जाती है। वो सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि आप ठीक हो जाएं। आपके लिए मरते हैं, दूसरों के लिए नहीं मरते हैं। एक जो अपने ही हैं, जो आपके साथ हर अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े रहते हैं, भले वो कितना भी लड़ लें, डांट लें, कितना कुछ भी बोलें, लेकिन अगर कोई दूसरा बोलता है ना तो सुन नहीं सकते हैं आपकी बुराई। वो अपने होते हैं। प्लीज़ यार, जब तक लोग आपके पास हैं उनकी वैल्यू करें, उनकी कदर करें। नहीं है लाइफ का कोई भरोसा। अगर आप कोरोना जैसे महामारी में नहीं सीखे लोगों की कदर करना, अपनों की कदर करना, तो आप क्या सीखोगे बताइए? अभी भी आप अपनी लाइफस्टाइल वैसे ही स्टार्ट कर दी आपने जैसी थी आपकी, और अभी भी आप कुछ चीज़ नहीं सीखे तो क्या सीखा आपने लाइफ से बताइए? कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके पापा ड्रिंक करते थे, तो उनके बच्चों ने देखा, वो डरे से हमें खड़े रहते थे चुपचाप से, कुछ कर नहीं पाते थे, अपनी माँ को बचा नहीं पाते थे। लेकिन मैंने देखा है कि वो खुद ही बड़े होकर वो काम करते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं, ड्रिंक करते हैं। तुमने क्या सीखा अपने माँ बाप से? क्या सीखा? तुम वही कर रहे हो जो तुमने देखा है।
इंसान क्यों नहीं सीखता गलतियों से, कब सीखेगा? टाइम लौट के नहीं आता, जितना टाइम है अपनों के साथ वक्त बिताएं, उनकी कदर करें। हर कोई सड़क चलता आपकी परवाह नहीं करेगा, आप चाहे मरो चाहे जियो, अपने ही करते हैं वो आप, क्योंकि वो आपको खोने से डरते हैं, आपसे प्यार करते हैं सिर्फ इसीलिए। बस बस जो भी करें ये सोच के करें कि आप जो भी कदम उठाएंगे, आपकी फैमिली, आपके अपने जो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, उनकी भी है। आप कहते हो ना कि मेरी लाइफ में कुछ भी करूं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, मैं कुछ भी करूं, नहीं। आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, आपके अपनों की है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए और एक बेहतर लाइफ जिए, प्यार से रहें, खुश रहें। कोरोना जैसी महामारी से अगर आप नहीं सीखे तो आप क्या सीखिए, प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें प्लीज़। ओके, थैंक यू।